हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये एपी से रिलेटेड और वो भी कैसे क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं और ट्रू फॉल्स में आगे के स्टेटमेंट हैं, ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चंस, तो ये कह रहा है कि इज एन एपी, चेक करके स्टेटमेंट बताइए। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस में दिख रहे होंगे कि ये 1-1, जैसे एपी के लिए मैंने बताया है कि और जो डी की वैल्यू होती है, ये डी की वैल्यू वो होती है A2-A1, मतलब A2-A1 बोलो चाहे A3-A2 बोलो, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिफरेंट जो है वो कॉमन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1-1 अगर कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 1-1 कर रहे हैं 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 2-1 कर रहे हैं ना तो 1 आ रहा है, मतलब आगे जाके डिफरेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे 2-2 जीरो हो रहा है, फिर यहाँ 3-2 कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, मतलब हर जगह पर सेम डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जन एपी, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये होगा फॉल्स वाला, ठीक है, फॉल्स होगा। क्लियर, ये आइडिया आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, यहाँ पे फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी जीरो। अब देखिए, फर्स्ट टर्म जो है वो जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कैन नॉट बी जीरो, तो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दिया ये फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट में बोला है कि कॉमन डिफरेंट एट एनी एपी कैन नॉट बी जीरो। अब देखिए, अगर सेम वैल्यू है तो उसकी कॉमन डिफरेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी ऑब्वियसली। यहाँ पर बोला है कि जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। जब आप आंसर लिखोगे ना, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब आप एग्जाम में इस तरीके के अगर क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ऐसे डालोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 3 था और फिर बाद में यहाँ पे आंसर ऐसे करके आंसर लिख के और यहाँ पे आगे लिख दोगे फॉल्स, इस तरीके का आप क्या करोगे, ऐसे लिख दोगे फॉल्स, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अर्थमेटिक सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। देखिए, अभी यहां पर मैं पहले तो आपको फॉर्मूला दिखा दूं कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अच्छा ये वाला ब्रैकेट मैं लगा देता हूँ बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ जाता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, बोला कि फर्स्ट एन नेचुरल, मतलब उसका टोटल जो स्टार्टिंग होगा, देखो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और कहां तक, एन नंबर तक बोला है। तो एन नंबर में है तो एन को एन ही रखने दो, ठीक है, ए की जगह पे वैल्यू चेंज करो और डी की जगह पे, जैसे 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो गया, प्लस एन की जगह पे मैंने एन ही रखा है, क्लियर, और डी की जगह पे क्या होगा, 1 होगा। नेचुरल नंबर का कॉमन डिफरेंट क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए ऊपर जो मैंने लिखा था फॉर्मूला था, अभी यहाँ पे हो गया एन अपॉन 2, एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी तो आपको डिसाइडेड डायरेक्ट ही करना है, एक बार जानते रहोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये तो 2 हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू 1 रखिए तो यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2-1 करेंगे तो 1 हो गया, मतलब एन प्लस 1 और एन अपॉन 2, तो वही चीजें तो दी हुई है यहाँ पे, देखो वही चीजें तो यहाँ पर दी हुई है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, वही चीजें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं आंसर की बात करूं, आंसर तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, जैसे ये वाला मैंने टेक्निक बताया था, ये वाला वही टेक्निक यूज करके ऐसे भी इसको भी लिख देना है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फॉर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस SN की वैल्यू दे दिया है, मतलब फर्स्ट N का सम ये है और AN की वैल्यू दे दिया है। तो ध्यान रखना कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हो तो आपको क्या करना है कि इसमें S1, देखो SN का मतलब होता है फर्स्ट से लेके जितने भी नंबर N नंबर तक है उनका सम की बात कर रहा है, और AN जो है वो बोल रहा है कि टर्म की बात कर रहा है।
तो देखिए पहला टर्म और सम पहले का सम मतलब पहला ही होगा और जो फर्स्ट टर्म होगा वही, मतलब एन की वैल्यू अगर वन इसमें पुट कर दिया जाए ना तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं एन की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा वन, तो वन का स्क्वायर वन और वन इंटू फाइव फाइव ही होगा, ये तो होगा फाइव, और यहाँ माइनस थ्री इंटू वन थ्री होगा, तो फाइव माइनस थ्री कितना हो रहा है यहाँ पे टू हो रहा है। अच्छा ए एन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वन रखेंगे तो टेन, और टेन माइनस एट क्या हो रहा है टू हो रहा है, मतलब ये दोनों बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, अर्थमेटिक का ही सिक्वेंस है, ठीक है, अर्थमेटिक का ही सिक्वेंस है। जैसे मान लो ए टू अगर निकालते मान लो टू रखते तो थोड़ा ध्यान दो, टू रखते तो क्या होता, एन की वैल्यू टू में टेन टू जा ट्वेंटी, ट्वेंटी में से एट माइनस करते तो ट्वेल्व होता, मतलब दूसरा टर्म ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व और टू कितना होगा ये फोर्टीन, मतलब एस टू अगर निकालोगे ना तो आएगा कितना, एस टू कितना आएगा, ट्वेल्व और टू फोर्टीन, फोर्टीन आएगा, चेक करके भी देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस अर्थमेटिक का है, इसलिए यहाँ पर लिख दोगे आप ट्रू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ट्रू हो गया। अब सिक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिक्स का, तो ट्रू फॉल्स बताना है, अर्थमेटिक सम ऑफ फर्स्ट एन इवन इज एन स्क्वायर, यहाँ पे बोला है कि एन जो है वो इवन है, ठीक है। अब देखिए अगर इवन है, इवन की बात कर रहा है मतलब नेचुरल नंबर बोला है, इवन फर्स्ट एन इवन नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट एन इवन नंबर। देखो कई जगह पे इवन नंबर जो है वो टू से स्टार्ट मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना वो इवन नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो टू फोर सिक्स एट ऐसे है। लेकिन शायद एनसीईआरटी वो जीरो को नहीं मानता, टू से मानता है, तो कोई बात नहीं, टू से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मतलब पहला टू हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू जो होगी अगर इसी इक्वेशन में पुट किया जाए तो स्टार्टिंग में एन ही चाहिए, तो एन को एन ही रखो, टू ए की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टू हो जाएगा, और डी की जगह वैल्यू हो जाएगी वो टू हो जाएगी, तो अगर मैं ये टू टू जाए ये फोर हो जाएगा, अगर ये टू करता तो टू एन हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू इसमें से माइनस कर दो तो टू टू कॉमन हो जाएगा, ठीक है, वो टू बाहर निकालो तो कट जाएगा, एन 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 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एन स्क्वायर आएगा, इसलिए ये क्या है ट्रू है, ठीक है, ये याद भी रख सकते हो, याद भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेवन नंबर का क्वेश्चन है, फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, मतलब बोला है कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, देन इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑन एपी। ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या क्या रहा है, पहले फॉर एन एपी है कि उसकी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, ध्यान से समझना कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब होता है कि वैल्यू जो है ना वो घटती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल दिया है कि इट इज सम दैट सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे बोला है कि हो सकता है कि एम टर्म का सम करें तो जो वैल्यू आए वही एन टर्म का सम करें तो वही आए, हो सकता है, ठीक है, इज इट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सम की बात कर रहा है ना, तो सम में क्या होगा कि देखो मान लो कि पॉजिटिव को जो पॉजिटिव और निगेटिव को एड किए तो कुछ और आया, ठीक है, कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ पॉजिटिव को इसी पे ऐड करो तो कुछ वैल्यू आ रही है, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इसमें कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, इक्वल हो सकता है, ठीक है, इस सम ऑफ द एपी के हो सकते हैं, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। अभी अगर आठवां नंबर की बात करूं, ट्रू और फॉल्स विद स्टेटमेंट 333 इज एन एपी, यस ट्रू है, एपी है, क्योंकि सेम चीजें का कॉमन डिफरेंस जीरो जीरो आएगा, सम एपी है। नेक्स्ट की बात करूं, सम ऑफ 10,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8% पर एनुअल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, देन अमाउंट डिपॉजिट इन ईच ईयर इन अकाउंट रिप्रेजेंटेड अर्थमेटिक सीक्वेंस, नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो हर बार इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये क्या है फॉल्स है, क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आगे और बात कर लेता हूँ, 10 नंबर की बात कर लेता हूं, ठीक है, 10 नंबर क्या है, टेन नंबर में बोला है कि रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टीन इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो मैंने ये बताया भी है एक बार, कई बार ये किए भी हैं, तो ये अर्थमेटिक का सीक्वेंस है, क्योंकि इसका रूट टू हो जाएगा, इसका थ्री रूट टू हो जाएगा, इसका फोर रूट टू हो जाएगा, और हर में कॉमन डिफरेंस रूट टू होता है, तो इसलिए ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसलिए ये ट्रू है, क्लियर।
यहाँ पे ट्रू फॉल्स में द अर्थमेटिक सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, देखो ऑड नेचुरल नंबर है और उनका सम बोल रहा है कि ये आएगा। अब मैंने अभी अभी फॉर्मूले बताए थे, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ एस एन का, जो एक मिनट, एस एन इक्वल टू है एन अपॉन टू इन ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी है, ये है। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर है तो वन से स्टार्ट होगा, मतलब पहला जो टर्म होगा वो क्या होगा, वन होगा और एन को एन ही रहने दो, ठीक है, और डी की जगह पे टू होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस टू आएगा। अब इसको सॉल्व करते जाइए, देखिए एन अपन टू यहाँ पर हो गया टू और यहाँ पे हो गया, देखिए इसको मल्टीपल करोगे तो टू एन हो जाएगा और माइनस टू हो जाएगा, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है तो अब आया क्या, देखिए एन इन टू यहाँ पर कितना बचा है, सिर्फ टू एन बचा है और डिवाइड बाई टू है, तो टू से टू कैंसिल, आया क्या एन स्क्वायर आया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये शायद स्क्रीन पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा, और ठीक है यहाँ तक शो हो रहा था, उसके नीचे वाला शो नहीं हो रहा, तो मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, जैसे ये वाला मैंने कट किया है तो इसके आगे ये वाला जो आ जाएगा वो एन स्क्वायर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एन स्क्वायर आया, यहाँ पे क्या दिया है एन एन प्लस वन दिया है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये 11 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के थे, ये प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे और एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।